हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लवली इनो फाइनेंस के ऊपर। देखने की कोशिश करेंगे भाई लवली इनो फाइनेंस की दुनिया में क्या क्या अपडेट देखने को मिली, किस तरह लवली इनो फाइनेंस हमें ओवरऑल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सारी की सारी जो बातें हैं वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहले कि मैं अपनी लवली इनो की लवली वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, और रिक्वेस्ट होगी आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ भाई, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि लवली इनो फाइनेंस हो, बेबी डॉ जो कि शू इनो, फ्लो की इनो, कोई भी हुआ उसके रिलेटेड, कोई भी अपडेट हो, कोई भी न्यूज हो, कोई भी कंटेंट हो, कुछ भी निकल गया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन सारी चीजों को मिस ना कर सके। सो भाई यहाँ पे चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्सेस के कोर्स तो वो मैं वहां पर शेयर करता रहता हूँ, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो भाई चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम देख लेते हैं फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स जो चल रहा है 53 स्कोर के साथ न्यूट्रल, जो कल 44 स्कोर के साथ फेयर में था, लास्ट वीक 51 स्कोर के साथ न्यूट्रल था, और लास्ट मंथ 60 स्कोर के साथ हमें ग्रीडी कंडीशन में देखने को मिला था। तो भाई ये हो गए हमारे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के आला। साथ साथ अगर हम देखें बीटीसी बाई जाए 4.4% बढ़ चुका है, $26,905 पे चल रहा है। इथेरियम की बात करें $879 पे चल रहा है, $278 पे हमारा बीएनबी चल रहा है, एक्सआरपी 0.53 पे चल रहा है, और यहाँ पे कार्डन 0.34 पे चल रहा है, डोजकॉइन 0.069 पे चल रहा है, और सोलाना में $20 की करंट प्राइस के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट की कंडीशन से इनके हालात है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो भाई मजीद अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा लवली इनो फाइनेंस के। तो पहले देखते हैं लवली इनो के हालात। तो भाई 1151 नंबर पे हमारा लवली इनो फाइनेंस रैंक कर रहा है, 0.0 के बारे में 83057 इसकी करंट प्राइस है, ये 24 घंटों में ये 4.5% डाउन जा चुका है। बाय द प्यारा बीएनबी 0.8% जो है वो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है, और हमने देखा कि अपने लाल टाइम हाई से 92% डाउन है, और पिछले 14 दिनों में ये हमें 22% का ऑलरेडी एक प्रॉफिट भी दिला चुका है। तो भाई बात करें लवली इनो को लेके क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है लवली इनो के ट्विटर के हैंडल पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो भाई यहाँ पे लास्ट 7 डेज का शेयर किया गया है सोशल सिग्नल इन लास्ट 7 डेज के हिसाब से, जो हाईली हमें एक्टिवेटेड प्रोजेक्ट देखने को मिले उस लिस्ट में। पहले नंबर पे बैबी डॉज देखने को मिला, दूसरे नंबर पे केक देखने को मिला, उसके बाद लवली स्वैप टोकन देखने को मिला, ग्रुप देखने को मिला, PNI, वीनू, डोडो, जॉय, OCX और UNICX देखने को मिला। तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने को मिली कि भाई लवली इनो फाइनेंस का जो लवली इनो स्वैप टोकन है वो हमें इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे देखने को मिला। उसके बाद भाई ये तुर्किश में ट्वीट किया गया है भाई तुर्किश लैंग्वेज में, क्योंकि ये ट्वीट जो है वो तुर्की वालों के लिए ही हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमाउंट का इन लोगों ने क्या है गिव अवे रखा हुआ है जी, मतलब 5 लोगों को तकरीबन जो 900 टोकन दिए जाएंगे जी, बिल्कुल जिसमें आप तकरीबन विन कर सकते हैं। तो आप इस एक्टिविटी में अगर शामिल होना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो ज़रूर शामिल हो जाए, आपको किसी ने भी नहीं रोका है। उसके बाद लवली वॉलेट अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लवली इनो की जो भाई एनिवर्सरी आने वाली है उसको लेके यूजर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं, 30 जुलाई को जो उसकी एनिवर्सरी होगी तो उसको लेके काफ़ी यूजर एक्साइटेड है, मिल सकता है मैं भी हो सकता है कि उस दफा हमें कोई एक अच्छा सरप्राइज भी देखने को मिले। और यहाँ पे 24 आवर में हाईएस्ट रेटेड जो प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले, तो इस लिस्ट में भी हमें लवली इनो फाइनेंस देखने को मिला। तो दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी बातें थी लवली इनो के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आएगी, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है, प्लीज़, थैंक यू।